नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विकी और राइड विद विकी में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे फोर व्हीलर चलाते हैं और इसके बेसिक्स मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो मेरे पास ये जो कार है यह है वैगनार CNG और ये CNG और पेट्रोल दोनों पे चलती है और इसे मैंने 2013 में लिया था। आज इसको 3 साल हो गए हैं और 3 साल गाड़ी सीखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं ये एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। और ड्राइविंग सीखने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये गाड़ी से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये है जनरल मोरालिटी, इथोस और स्टेट के लॉ के हिसाब से कि अगर आप 18 साल के नीचे हो तो आपको ड्राइव करना अलाउड नहीं है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो प्लीज़ 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 आप ड्राइव मत कीजिए, मतलब गाड़ी मत सीखिए। और अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप प्लीज़ ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही L लगाकर लर्निंग लाइसेंस का जो टैग है वो लगाकर ही गाड़ी सीखिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो एक स्मार्ट कार्ड का लाइसेंस आया है लेकिन उसके पहले एक कार्ड का लाइसेंस हुआ करता था। तो कार्ड के लाइसेंस में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी जो कि मुझे अभी भी याद है, लिखी गई थी कि ड्राइविंग इज़ अ प्रिविलेज, इट इज़ नॉट अ राइट, ठीक है। आप ये ध्यान में रखना कि ये आपका बुनियादी हक नहीं है ड्राइव करना और ये आपके लिए प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब वो होता है कि ये किसी भी वक्त आपका जो स्टेट है, आपकी जो गवर्नमेंट है, ये आपसे छीन सकती है। तो अगर प्रिविलेज है आपको तो आप इसका पूरे एतबाद के साथ इस्तेमाल कीजिए, ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं और बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाइए क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मामला भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक्स, और बेसिक्स में ये है स्टीयरिंग व्हील जिससे आप गाड़ी को राइट में या लेफ्ट में घुमा सकते हो या सीधे चला सकते हो। तो अगर आपको राइट मुड़ना है तो ऑब्वियसली आपको राइट घुमाना पड़ेगा और अगर लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट घुमाइए इस तरह से, ठीक है। ये है आपका स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में आपको पता चलता है कि आपका स्पीड कितना है। और जो मेन कंट्रोल्स है वो इस तरह से, ये है आपका गियर, ठीक है, और ये है हैंड ब्रेक, गियर हैंड ब्रेक। और अगर आप नीचे जाएं तो पैर में आपके पास एक्चुअली 3 कंट्रोल्स है। ये पहला वाला है, ये है, ये फर्स्ट वाला जो है ये आप देख रहे हो, ये है क्लच। सेकंड वाला जो है ये है ब्रेक, और थर्ड वाला जो है ये है एक्सेलरेटर जिसको हम लोग रेस भी कहते हैं। तो जो आपका लेफ्ट लेग है ये हमेशा आपके क्लच के लिए यूज़ होगा और जो आपका राइट लेग है वो होगा ब्रेक के लिए और एक्सेलरेटर के लिए। तो आप ध्यान में रखिए कि हमेशा आपको लेफ्ट लेग, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है कि ये लेफ्ट इसको दबाकर आप ब्रेक लगाते हो तो फिर ये सिर्फ लेफ्ट लेग सिर्फ क्लच के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। और ये है सीट बेल्ट, ओके। सो सीट बेल्ट को सबसे पहले लगा लीजिए, ये यहाँ पर सीट बेल्ट का हुक है और यहाँ पर ये इसका नॉब है। तो आप इस हुक को इस नॉब में डालिए और सीट बेल्ट को लगा लीजिए। सो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए समराइज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़, आपको लाइसेंस कैरी करना है, PUC और इंश्योरेंस के पेपर्स भी कैरी करने हैं, ओके, हमेशा जब आप गाड़ी चलाओगे तब। और दूसरी चीज़, ये आपको सीट बेल्ट हमेशा लगाना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और थर्ड जो है वो है ये दरवाज़ा, इसको हमेशा लॉक कर देना, ओके। ये हो गया लॉक, ये ओपन, ये लॉक, ये ओपन। कुछ गाड़ियों में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो थोड़ी देर के बाद, और अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप मैनुअली इसे लॉक करना ना भूलिए, ओके। तो ये आपकी स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 बटन्स नज़र आएंगे, दो, ये एक और ये सेकेंड वाला। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो नॉब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली 2 फीचर्स है। एक फीचर ये है कि आपको अगर लाइट चालू करना हो आगे का हेडलाइट तो आप इसे ऐसी इस तरह से चालू कर सकते हैं। तो अगर आप, ये ऑफ पर है अभी, अगर आप इसको एक बार घुमाएंगे तो ये हो जाएगा माइल्ड, मतलब ये मीडियम स्टार्ट हो गया, मतलब ये डिफ्यूज़ लाइट चालू करेगा।
और ये फुल ब्राइट हेडलाइट आपका स्टार्ट कर देगा। तो ये इसे हम ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। और अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है, आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर देना है, तो आप इसको ऊपर ढकलिए। इसका मतलब देखिए, आप लेफ़्ट का इंडिकेटर स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट मुड़ने से पहले आपको ये इंडिकेटर देना होगा। और एक बार अगर आप लेफ़्ट मुड़ जाओगे तो ऑटोमेटिकली इस यहाँ पर आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक फीचर रहता है कार का। अगर आपको राइट में मुड़ना है तो आप नीचे ऐसे करेंगे और आप फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको राइट में मुड़ना है। ओके, अब आप चलते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में जो बटन है ये कुछ इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये सिर्फ बारिश के टाइम पे काम में आता है। और इससे क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। इसको मैं देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है वाइपर के लिए। अब ये तो हो गया सब डैशबोर्ड के बारे में। अब हम चलते हैं गियर की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ड्राइविंग का। और इसको मास्टर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप बेसिकली ये समझे जाते हैं कि आपको ठीक से गाड़ी चलाना आ गया है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन स्पीड के, जितना आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से उसका गियर ज़्यादा होगा। अगर आपका स्पीड 10 किलोमीटर है तो आप 1 पे होंगे, अगर आपका स्पीड 30 किलोमीटर है तो 2 पे होंगे। मतलब मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ, 3 पर भी आप 30-40, 4 पे 40 के ऊपर 50 के ऊपर फिर आप जा सकते हो 5th गियर पर। और यह है रिवर्स, तो आपको ये आपको डायग्राम हर एक गाड़ी के गियर बॉक्स के ऊपर दिखेगा। इसका मतलब होता है कि आपको गियर चेंज करने का पैटर्न यहाँ से पता चलेगा। ओके, तो अगर आपका गियर फ्रीली मूव हो रहा है, अभी अब देखिए बीच में लाइन है यहाँ पर, अगर आपका गियर बॉक्स फ्रीली ऐसे मूव कर रहा है देखिए, तो अभी ये गाड़ी न्यूट्रल में है। ओके, तो अगर मुझे फर्स्ट गियर में डालना है तो मुझे एकदम लेफ्ट लेके एब्सोल्यूट लेफ्ट और फिर ऊपर ढकलना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लच दबाऊँगा और एब्सोल्यूट लेफ्ट। तो ये हो गया फर्स्ट गियर। ओके, इसके बाद में अगर आपको सेकंड गियर डालना होगा तो सेकंड गियर। ओके, फिर थर्ड के लिए वापस सेकंड, थर्ड, सीधा नीचे फोर, और फोर के बाद राइट, फिफ्थ गियर। ओके, और अगर आपको रिवर्स करना होगा तो बस आप ऐसे कीजिए, राइट में लेफ्ट आपके राइट की तरफ ढकेलिए उसको और नीचे खींच लीजिए। तो देखिए ये ऐसे आवाज़ देगा क्योंकि मेरे गाड़ी में सेंसर है। तो ये तो हो गया गियर के बारे में। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप फर्स्ट गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चलाना, उससे ज़्यादा आगे जाना नहीं जब तक आपका बेसिक कंट्रोल्स अच्छे से नहीं हो जाता। अगर आप एक बार स्टीयरिंग कंट्रोल सीख गए अच्छे से तो आप थर्ड गियर पे भी जा सकते हो। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाकर आप अच्छी तरह से गाड़ी सीख सकते हो। ओके, गियर के बाद में आप जानेंगे ये है हैंड ब्रेक। इससे आपको गाड़ी अगर स्टॉप करनी हो या फिर स्लोप पे आपको गाड़ी पार्क करनी हो तो आप हमेशा ये हैबिट बना लें कि हैंड ब्रेक को हमेशा खींच के रखें। तो हैंड ब्रेक ये ऐसा डाउन है, अभी लूज पोजिशन में है। अगर आपको इसको गाड़ी पार्क करना है तो आप गाड़ी पार्क करने के बाद इसको दबा के ऊपर खींचे, और यह अभी लॉक हो गया है, मतलब कि ब्रेक लग गया है हैंड ब्रेक। और फिर इसके बाद में अगर आपको हैंड ब्रेक रिलीज़ करना होगा तो आप जस्ट दबा के इसको रिलीज़ कर देना। ओके, तो ये पूरी तरह से रिलीज़ हो गया है। इसके बाद फिर ये तो क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर। तो हम लोग तो कार स्टार्ट करने के लिए ये है की, इसको हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपका जो गियर है वो न्यूट्रल में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, ये गियर न्यूट्रल है मेरा और हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। ओके, गाड़ी मूव नहीं होगी, तो हम इसको, तो ये मेरी गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले स्टेप, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में आपके सीट वगैरह को एडजस्ट कर लीजिए। और अभी हम पिकअप लेंगे, सबसे पहले क्लच दबाइए लेफ्ट साइड का ज़ोर से, पूरी तरह से,
और क्लच दबाने के बाद में क्लच को आपको छोड़ना नहीं है, हम डालेंगे फर्स्ट गियर। ओके, तो फर्स्ट गियर डालने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में लीजिए एज पर डायग्राम और फर्स्ट गियर। ओके, अब ये गाड़ी फर्स्ट गियर में है। इसके बाद में मैं हैंड ब्रेक को नीचे कर लूँगा। अगर आप ट्राई करोगे हैंड ब्रेक ऑन करके तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ओके, सो इसको हम हैंड ब्रेक को नीचे कर लिया। ओके, अभी गाड़ी देखिए और मैं अभी धीरे धीरे से क्लच छोड़ूंगा और गाड़ी आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अब तक गाड़ी नहीं हिली, मैं धीरे धीरे से इसको छोड़ रहा हूँ और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गाड़ी आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अभी गाड़ी अभी मूव करना स्टार्ट हो गई है। आप तुरंत स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिए और ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और ये तो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई। आपको ये सबसे पहले सीखना है कि गाड़ी को कैसे गियर में उठाते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनसे गाड़ी बंद हो जाती है, और ये मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। और ये एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है। अगर आपको फिर ये एक स्पीड से चलेगी, अपने स्पीड से ही और कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, मतलब अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया बेसिक। यहाँ पर अभी आपको सीखना है कि स्टीयरिंग कंट्रोल। तो इस स्पीड पर आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कीजिए आराम से और बिना किसी घाई के आप आराम से आपकी गाड़ी चलाइए। तो ये तो हो गया स्टेप वन। ओके, अभी देखिए आराम से हम चल रहे हैं बिना किसी घाई के। तो जब आप ये सीख जाएंगे, इसके बाद मैं आपको आगे की स्टेप बताता हूँ। इसके लिए मुझे पहले तो यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं यू टर्न ले लूँ फिर उसके बाद में हम सीख देंगे। ओके, तो अगर आपको रोकना होगा तो आप ये क्लच को फिर एक बार दबाइए और साइमल्टेनियसली ब्रेक को भी धीरे धीरे से दबा कर ये आपकी गाड़ी हॉल्ट पे आ गई। ओके, अगर मैं फिर से छोड़ूंगा ब्रेक, अगर मुझे वापस चालू करनी है तो मैं धीरे धीरे से ब्रेक छोड़ के वापस क्लच दबाऊंगा धीरे धीरे और गाड़ी देखिए आप मूव करना स्टार्ट हो गई। तो मैं टर्न ले लेता हूँ अभी। ओके, आपने अभी ये फर्स्ट स्टेप तो मास्टर कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गियर कैसे चेंज करते हैं और फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे कैसे आप स्विच कर सकते हो। ओके, तो आप फर्स्ट स्टेप सीखने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि ये एक्चुअली इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी न्यूट्रल में है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है और हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर की तरफ शिफ्ट करेंगे। और सिमिलरली आप सेकंड से थर्ड पे धीरे धीरे जब आप जैसे आप सीखते जाओगे थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ पर आप कर सकते हो। ओके, सो फिर एक बार क्लच दबाएंगे, ब्रेक को छोड़ देंगे, एक्सेलेटर पे थोड़ा सा हल्का सा पैर रखेंगे और क्लच दबाएंगे, ब्रेक पर पैर रखेंगे और जैसे गाड़ी मूव होती है हटाकर हम एक्सेलेटर पे रेस देंगे। ओके, सो फर्स्ट गियर फर्स्ट। ओके, हमने यहाँ से हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया और धीरे धीरे से हम क्लच को छोड़ेंगे। जैसे आप क्लच को छोड़ते हो जैसे गाड़ी आगे स्टार्ट करती है मूव होना, और ये डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी की किसका इन्फ्लेक्शन जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कहाँ पर है। ओके, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो जब आपकी गाड़ी पूरी तरह से आपने क्लच छोड़ दिया तो हल्का सा रेस दीजिए गाड़ी, तभी 10 अब देखिए ज़्यादा इंजन आवाज़ करने लगा है। इंजन आवाज़ करने लगेगा तो फटेक से फिर क्लच दबाकर, क्लच दबाया मैंने, हॉर्ट में डालूंगा सेकंड गियर और फिर से धीरे धीरे से क्लच छोड़ूंगा। और देख हम अभी हमारा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, आप देखिए गाड़ी किस तरह से चल रही है। देखिए स्पीड भी बढ़ गया है अभी। सिमिलरली फिर आप
ये रोड थोड़ा सा ऊपर खापड़ है, नहीं तो मैं अभी थर्ड गियर भी दिखा देता आपको। ये एक्चुअली माइक गिरने का डर है इसीलिए, वरना मैं आपको थर्ड गियर भी दिखा देता। ओके, सो अगर आपको वापस से रुकाना है गाड़ी तो आप बस क्लच दबाकर ब्रेक दबाइए तो, और यहाँ पर आके न्यूट्रल कर दीजिए, और फिर आपका सीख के हो जाने के बाद, एक सेशन हो जाने के बाद आप इसे खींचकर साइड में कर दीजिए गाड़ी। ओके, तो ये था बेसिक्स गाड़ी चलाने के बारे में। मैं एक पूरी मेरी एक ड्राइव की वीडियो डालूंगा जिसमें मैं मुंबई के ट्रैफिक से भी गाड़ी चलाऊंगा, और आपको 3 कैमरा लगाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ और कैसे उसको हैंडल करते हैं ट्रैफिक में वगैरह। ओके, सो आई होप ये फर्स्ट वीडियो आपको अच्छा लगे, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत सारे ऐसे मज़ेदार वीडियो मैं और डालूंगा, और थैंक यू, और गणपति बप्पा मोरिया।